ये विवाद चल रहा है, ये किस लिए चल रहा है, क्या मामला है? ये जो मंदिर है मस्जिद के पीछे है, अब ऐसे कोई विवाद नहीं है, मगर हम जो चाह रहे हैं कि कोई विवाद भी ना हो और काम भी सहूलियत से हो जाए, किसी का कोई विरोध भी नहीं रहा है। अच्छा, आपके क्षेत्र के विधायक हैं छत्रपाल जी, वो इस मामले में निपटाने के लिए आए आपके यहाँ? मगर अभी तो आए नहीं है, अभी तो आए नहीं है विधायक जी। आए थे पिछली बार, आए तो आए, मेरे फिलहाल अभी नहीं आए। आए इतना विवाद हो गया, अभी तक नहीं आए ना, अभी तक नहीं आए विधायक जी, अभी तक नहीं आए। और आवेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं, इसको मरहला सुलझाने अच्छी बात है, क्योंकि विधायक जी को ये थोड़ा सा होना चाहिए कि उन्हीं के हाथ में सब कुछ है, तो विधायक जी के हाथ में, मगर ये चीज विधायक जी नहीं आए और हम आपस में विरोध हो रहे, मारपीट से झगड़ा हो रहा जी, अच्छी नहीं है। अच्छा, एसडीएम साहब भी यहाँ पे आई? हाँ, क्या कहना था उनका? उनका कहना था जो कि जो बुलाई पिछली बार तो ये कह रही थी, एक तो फिलहाल जो कही आ रहा है बांट लो अपना। आप तैयार है? आप लोग नहीं, नहीं हम नहीं है। जैसे समझो, अगर आपका घर हो, आपकी संपत्ति हो, आपका घर हो, और कोई भी अगर जे कहे कि आधा आधा कर ले, अनजाने इंसान व्यक्ति से अगर जे कहो आधा आधा कर ले, तो अपनी जगह संपत्ति आप दे दो, विवाद हो जाएगा। तो क्या आप प्रशासन से क्या मांग करती हैं? हम प्रशासन से ये करते हैं, कोई विवाद नहीं हो रहा, कोई लड़ाई हो नहीं है, और हमारा मंदिर भी बन जाए, उनकी मस्जिद भी बन जाए। अच्छा, दूसरे पक्ष का ये कहना है इस मंदिर से कुछ दूरी पे मंदिर बनाया जाए। हाँ, किसी का ये घर उजाड़ा तो अच्छा नहीं है किसी का, तो हमें कमजोरी देखा, हमें कहीं भी फेंक दो कूड़ा में, तो हमें तो सब सहन है, मगर ये अच्छा नहीं है। अगर हमारा कोई घर उजाड़े या हमारा कोई शासन बिगाड़े तो हर चीज को बुरी ला गई, लड़ाई बुरी। इस मंदिर के अलावा और मंदिर है क्या? ना, मिलक ना है, जो हमारा पिछौड़ा वहाँ मिलक का पिछौड़ा मिलना लगता है, पिछौड़ा में कोई और मंदिर नहीं? ना, कोई पिछौड़ा कोई मंदिर नहीं, इसी जय मंदिर है। हम यहाँ पर कोई काम करा तो कार्य करा तो विवाद होते हैं, हम बस जय क्षमा मांगते हैं शासन से कि यहाँ कोई विवाद ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। सर, मेरा नाम सलमान रजा, इसी गांव का निवासी हूँ मैं। आपके गांव में तो विवाद चल रहा है मंदिर को लेकर जी, क्यों चल रहा है, क्या वजह है इसी? सर, विवाद इसलिए चल रहा है, अब से कुछ दिन पहले मतलब यहाँ पे एसडीएम साहब आए थे, एसडीएम साहब, सीओ साहब, कोतवाल साहब, सारे लोग आए थे, तो उन्होंने मतलब यहाँ देखा हिसाब किताब, तो यहाँ ये मंदिर का पठान करना चाह रहे थे ये लोग, ठीक है। उसके बाद में अब इधर इस समुदाय के लोग भी पहुँचे वहाँ पे, तो उन्होंने मतलब नेकपाल साहब को बुलाया, तो नेकपाल साहब ने जब जगह नापी, वो जगह नापी गई तो ये मंदिर की सेटों से घर वगैरह भी हैं कुछ, ये सब ग्राम समाज की जगह थी, ठीक है। तो हमारा इतराज ये है, ये मंदिर यहाँ से हटा कर कहीं बना लें, मतलब इनके हम सेन है उधर। यहाँ पर क्या दिक्कत है आपको? सर, इसमें ये दिक्कत है, जैसे हमारे वहाँ पे घर भी हैं मुस्लिम, मतलब मुस्लिम लोगों के प्लॉट है वहाँ पे, अगर अभी तो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, अगले को ऐसा हो सकता है कि मतलब जनरेशन दूसरी हो, चेंज हो जाए, उसके बाद में अगले विवाद, जैसे हम मीट है किसी का भी है, मुर्गा है, मछली, बकरा, अब सर किसी का भी कुछ भी हो सकता है, तो हड्डी है, कुत्ता है, ये कौआ, कुछ भी हड्डी फेंक सकता है कोई भी, तो इन लोगों ने मतलब ऐतराज़ अगले करा, लफड़ा हुआ, तो सर इससे विवाद होगा, ये विवादित जगह है, तो इससे हम चाह रहे हैं इससे हटा के ये कहीं बना ले मंदिर अपना, हमें कोई ऐतराज नहीं है। तो मंदिर है ये अभी बना है या पहले का है? सर, ये मंदिर तो 50 साल 60 साल पुराना, हमें तो पता भी नहीं है, और जो हमसे बड़े उन्हें पता नहीं होगा। 50-60 साल पुराना मंदिर? हाँ, 50-60 साल पुराना मंदिर है, तो इसका विवाद इसी मैटर इसलिए। जेंद्रपाल, ये गांव कौन सा है, क्या लगता है? ग्राम मिलक पछौड़ा, पोस्ट बापूनगर कचनेरा, जिला बरेली, तहसील बरेली, थाना नवाबगंज। अच्छा, ये मंदिर को लेकर जो विवाद चल रहा है, क्या मामला है? सर, ये इसकी जो नींव है सन 1968 की धरी हुई है, और उसका निर्माण हुआ था, तब से लेके इसमें दो मस्जिद बन चुकी, कभी आज तक कोई हिंदू पक्ष के लोगों ने कभी कुछ का विरोध नहीं किया, मगर इस पक्ष में जब उन्होंने पुनर्निर्माण इसका चालू किया, तो उन्होंने विरोध किया कि मंदिर हम नहीं बनने देंगे, और कुछ इस समुदाय के लोग आए, उन्होंने इसकी नींव की ईंटें उखेड़ दी, बोले इसको खेड़ो यहाँ से, ये कहते हैं कि इसमें थोड़ी ग्राम समाज फंस रही है। तो सर, उसके उसमें दो जो मस्जिद बनी हुई है, वो दोनों ग्राम समाज में तो बनी हुई हैं, जब उधर पूरी मस्जिद ग्राम समाज में थोड़ी सी फंस रही है, ये मुद्दा लेके चलते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? सर, हम चाहते हैं हमारे मंदिर का पुनर्निर्माण हो। आपके क्षेत्र के विधायक वगैरह आए हैं? सर, विधायक जी, माननीय विधायक जी अभी नहीं आए हैं, और उनसे अनुरोध है, आएंगे आएंगे क्यों नहीं, उनका क्षेत्र है। गाँव में विवाद चल रहा है, क्या मामला आते हैं? विवाद चल रहा है, विवाद से तो जो है वो बहुत सालों से चल रहा है, ये मंदिर लगभग सन 72 के करीब से चल रहा है, और ये तो ऐसे ही मतलब हम काम करने जा रहे थे, तो इन लोगों ने विवाद कर दिया। आपके गांव में लगभग कितने मंदिर हैं?
हमारे गांव में इधर तो एक ही मंदिर है, दो मंदिर है और एक मंदिर मिलक में, एक पिछौड़ा पड़ता है, उसके बाद दो मस्जिदें भी हैं। अब क्या चाहते हैं इतने विवाद के बाद? हम तो ये चाहते हैं विवाद भी खत्म हो जाए और मंदिर भी नया बन जाना चाहिए। हमें ये है कि कहना यहाँ से बचा के या इसका बैठ के अपना समाधान कर लो। हम तैयार, ये मंदिर यहाँ बने या कहीं और बने क्या? हम ये चाह रहे हैं यहाँ से थोड़ा हट के कहीं बना लीजिए।